तो ये हुई ना कुछ बात बीड़ू लोग, अब इसको कैसे ट्रोल करोगे जनाब? आप समझ में आया कि मेरा सोर्सेज कितना स्ट्रांग था? मैंने पहले ही बोल दिया था कि दिसंबर के लास्ट वीक तक झूमे जो पठान गाना आने वाला है, और अब देखे क्या गदर मचाया। अभी कुछ 6-7 घंटे ही हुए हैं मैं रिव्यू कर रहा हूँ, अभी तक इसके 800K लाइक्स पूरे हो चुके हैं, और ये जो मोस्ट व्यूड सॉन्ग है फॉर ए बॉलीवुड कॉमर्शियल सॉन्ग इन ए मूवी, जो आयला रे आयला था सूर्यवंशी का, शायद उसको बीट कर दे 24 घंटे में, और मुझे लग रहा है ये बीट कर देगी। वन वर्ड फॉर दिस सॉन्ग एंड पठान मूवी विल बी ब्लॉकबस्टर। आग, तूफान, तूफान को कैसे रोकोगे भाई साहब? अब इसको ट्रोल करके क्या मिलेगा आपको? इसके बिजनेस को आप अफेक्ट नहीं कर पाओगे, ये तो आप 25 जनवरी को देख लोगे जब पठान क्या बाप लेवल ओपनिंग लेने वाली है। आप, मैं और हम एक साथ रहेंगे, देखेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू भी करेंगे। दिस सॉन्ग टेक्स यू बैक टू दोज 2008-2014 काइंड ऑफ ईयर, जब SRK ने अपने 6 और 8 पैक्स बनाए थे, और ओम शांति ओम के टाइम के क्या जमाना था, वो गाना, वो हसीना, वो नीलम परी, और 2014 में जो हैप्पी न्यू ईयर के लिए 8 पैक्स बनाए थे SRK ने, वो वाइब्स दे रही है। और अपना जो पुराना उनका पोज है, जो हाथ फैला के ये करने वाला रोमांटिक पोज, वो तो दिखने ही वाला था। इट इज ऑल मील्स फॉर हिज फैंस। वो 25 तारीख को जाएंगे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट और मास मसाला एक्सपेक्ट करके आएंगे। दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम द ऑडियंस एंड दिस इज व्हाट यू पे टू द ऑडियंस, कि आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे, और ये सॉन्ग बिल्कुल ही उस पे खरी उतरती है। दीपिका के डांस मूव्स, SRK के डांस मूव्स, विशाल ददलानी के वॉयस, विशाल शेखर का कॉम्पोजिशन, सब बिल्कुल ही बिल्कुल परफेक्ट रखा गया। स्पेन के वादियों में शूट कोरियोग्राफी हुई है इस सॉन्ग की, पर्टिकुलरली वो टॉप नॉच है। मैं तो इसको 3-4 बार सुन चुका हूँ और ये और भी चढ़ते जा रहा है। ये बेशरम रंग से भी ज़्यादा बड़ी हिट सॉन्ग होने वाली है। हालांकि उसने अभी 10 दिन में 100 मिलियन पार किए हैं और इसके कुल अभी 801 मिलियन तो हो जाएंगे इन 12-13 आवर्स। अब देखते हैं क्या गदर मचाती है। तो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा और मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।